अधिकार आंदोलन आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे एक मंच के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे देश की जनता को इसके द्वारा? छात्र अधिकार आंदोलन आज पहला चरण है, आगे आने वाले समय के अंदर इसको और अधिक उग्र रूप से चालू किया जाएगा। तो देश की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है बदलाव का, अब निश्चित तौर से सरकार को जागना होगा और जो छात्र है छात्रों को अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके देनी होगी। जितने भी शिक्षक है 1% वाले, 2% वाले, 5% वाले, उनको हटाना होगा। अभी आपने देखा होगा 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर 0.5% वाले को फिजिक्स का लेक्चरर नियुक्त किया गया है। जिस आदमी के नंबर 0.5% आए वो फिजिक्स क्या पढ़ाएगा? ये सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, यही मैथमेटिक्स में चल रहा है, यही आर्ट्स में चल रहा है, यही कॉमर्स में चल रहा है। ऐसे शिक्षक हमारे छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। छात्र और उनके अभिभावक दोनों ही चिंतित है, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अब समय बदलने वाला है, अब ऐसे शिक्षकों को हम हटा के रहेंगे, उनकी जगह अच्छे शिक्षक नियुक्त करेंगे। अच्छा सर, जैसे आरक्षण की भी आपने बीच में बात की, क्या जो वे टीचर लिए जा रहे आरक्षण के द्वारा लिए जा रहे? चाहे वो टीचर किसी भी तरीके से लिए जाए, चाहे वो आरक्षण के द्वारा लिए जाए, चाहे वो अपंगता की वजह से लिए जाए, चाहे वो आर्थिक आधार पर लिए जाए, वो सब के सब छात्रों के भविष्य के लिए सही नहीं है। छात्रों को सबसे योग्यतम शिक्षक मिलना चाहिए। तो आप आरक्षण के ऊपर क्या कहेंगे, आरक्षण रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए? आरक्षण का प्रावधान अस्थायी है, ये तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, ये सरकार है बार बार से लागू कर रही है। अब देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, हम इस लड़ाई को बहुत आगे ले जाएंगे। देश को बचाने के लिए जो हमें करना है वो करेंगे और जो नहीं भी करना है वो भी करेंगे, क्योंकि जब अन्याय जब कानून होता है तो क्रांति आवश्यक होती है। सर, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि योग्यतम शिक्षकों को, तो सारे गवर्नमेंट के ना टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, उसको चयन करके देन वी विल गेट डिसाइडेड कि कौन से टीचर्स आगे जाते हैं, तो आप तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो कि गलत नियुक्त कर दिया? कानून ही गलत हो तो क्या हो सकता है? क्या कानून गलत नहीं हो सकता है? अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था, रोल एक्ट, पूरे देश के अंदर विरोध हुआ था। तो देश के अंदर या जो भी सत्ताधारी दल है या सत्ताधारी पार्टी है या जो सत्ताधीश लोग हैं, चाहे राजा महाराजा हो चाहे अंग्रेज हो, अपनी सत्ता की रक्षा के लिए कोई भी कानून पारित कर सकता है। ऐसे गलत कानून को मानना हम नहीं मानेंगे। आगामी योजनाएं क्या है आपकी, किस प्रकार से आप आगे करने वाले हैं? बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, इस प्रोग्राम को देश के गली गली में, हर राज्य में, हर स्तर पर ले जाएंगे और देश की सरकार को सभी अशिक्षित, कुशिक्षित, अयोग्य शिक्षकों को हटाना होगा, उनकी जगह योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति। देखिए, ये सरकारों में जब जो बैठते हैं वो अपने आप प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से बदली जाए। अभी आपने हाल में देखा कि सरकार ने 370 बदल दी, तो वो इतनी बड़ी व्यवस्था थी 70 साल की, वो बदली जा सकती है, तो ये भी 70 साल की व्यवस्था है, ये भी बदली जा सकती है, बशर्ते सरकारों के मन में मंशा होनी चाहिए।